Hello and welcome once again in another session of statistics. देखिए हमने last video में variable यानी कि चर किसे कहते हैं, कितने types के variable होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से किस तरह से हम raw data को एक meaningful way में present कर सकते हैं ताकि हम हमारे data को usable form में convert कर सकें। और हमें वहां पर थोड़ा सा हिंट मिला था कि हम जो रॉ डाटा होता है उसे वेरियस सीरीज की फॉर्म में प्रेजेंट कर उसे और ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। देखो रॉ डाटा क्या था, रॉ डाटा का मतलब था कि हमने जो रिसर्च की है, कंडक्ट की है रिसर्च, उससे हमने क्या क्या वेरियस डेटा इकट्ठे किए हैं। तो रॉ डाटा एक तरीके से एक रिसर्चर के थ्रू कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन या डेटा थे। अब एक रिसर्चर अगर क्वेश्चनायर यूज कर रहा है या स्केड्यूल्स फिल करवा रहा है तो वो उसे एज इट इज तो यूज कर नहीं सकता, तो उन प्रश्नावलियों को या उन अनुसूचियों को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए या उन डेटा को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए, ताकि रिसर्च जो है आगे फर्दर अच्छे तरीके से प्रोसीड की जा सके, उस डेटा को डिफरेंट स्टेटिस्टिकल सीरीज में क्लासिफाई करना जरूरी है। तो बाय क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा वी जनरली मीन कन्वर्टिंग द रॉ डेटा इनटू वेरियस स्टेटिस्टिकल सीरीज। तो स्टेटिस्टिकल सीरीज का मतलब क्या है, स्टेटिस्टिकल सीरीज जो है वो और कुछ नहीं है, वो एक तरीके से डेटा को क्लासिफाई करने का ही एक तरीका है जिसमें हम हमारे रॉ डेटा को और ज्यादा मीनिंगफुल बना देते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको हिंट दिया था टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में, दिया था ना, क्या क्या दिया था, एक तो आपको बताई थी इंडिविजुअल सीरीज जिसके हम व्यक्तिगत श्रृंखलाएं बोलते हैं वो होता है, एक मैंने आपको बताया था कि हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली सीरीज होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली मतलब आवृत्ति वाली श्रृंखलाएं। अब जो ये फ्रीक्वेंसी सीरीज थी इसे हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते थे, एक होता था डिस्क्रीट सीरीज और एक होता था कॉन्टिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या था या डिस्क्रीट सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज को हम बोलते थे खंडित श्रृंखलाएं और कॉन्टिन्यूस सीरीज को हम क्या बोलते थे, अखंडित श्रृंखलाएं। देखो इन सीरीज के बारे में आपको हिंट्स जो हैं वो ऑलरेडी जब मैंने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज वाला टॉपिक करवाया था तब मैंने आपको ये दिया हुआ है, लेकिन अब हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे और अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली सीरीज क्या होती हैं, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। क्योंकि जो आपने टेंथ में किया हुआ है ना वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज जिसमें वो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज दी होती थी, आपने सिर्फ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हमें इंडिविजुअल सीरीज जिसे हिंदी में व्यक्तिगत श्रृंखलाएं कहा जाता है क्या होती हैं ये। देखो दो सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, सिंगल इंडिविजुअल एक ही जब आपको लाइन रिप्रेजेंट की हुई होती है, एक ही सीरीज बस बनाई हुई है, एक ही कॉलम बना हुआ है, उसके अलावा और कुछ नहीं आपको बताया हुआ है। व्हेन आइटम्स आर लिस्टेड इंडिविजुअली दीज आर नोन एज इंडिविजुअल सीरीज। इस तरह की सीरीज में किसी भी तरह का कोई भी क्लास इंटरवल नहीं होता, किसी भी तरह की कोई भी क्लासेस नहीं बनी हुई होती हैं। मतलब वो 10 to 20, 20 to 30 वाला कंसेप्ट इन सीरीज में नहीं होता, इन सीरीज में सीधा 10, 20, 30, 40 कुछ इस तरह से हमें ये सीरीज दी हुई होती हैं। तो ये वे श्रृंखलाएं हैं जिनमें प्रत्येक मतलब हर एक इकाई को अलग अलग प्रकट किया जाता है, इनमें मदों का कोई भी वर्ग नहीं होता है। अब देखो इन्हें किस तरह से, हमने अभी भी बोला ना कि हम हमारे रॉ डाटा को इन सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, आगे फर्दर दो फॉर्म्स हैं, दो प्रकार हैं जिसके जरिए हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में जो फर्स्ट केस है वो है कि या तो किसी सीरियल नंबर के अकॉर्डिंगली, जैसे क्लास में बच्चों के रोल नंबर्स होते हैं, तो या तो उस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंगली आप एक क्रम अनुसार अरेंज कर दो, ठीक है, या
आप किसी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आरोही या अवरोही क्रम, जैसे आप मीडियन में करते थे, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर उसके अकॉर्डिंगली अरेंज कर दो। तो जब एक ही अलग अलग इकाई को जब अलग रिप्रेजेंट किया जा रहा है और आप उसे या तो किसी सीरियल नंबर के अकॉर्डिंगली या आप उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट करोगे तो वो इंडिविजुअल सीरीज की प्रेजेंटेशन कहलाई जाएगी। बहुत ही आसान है, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि कभी आएगा, लेकिन आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें तो आपको ये इजीली समझ में आए। अब देखो, इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको वन मार्क में पूछा जा सकता है, वो है कि जब हम हमारे रॉ डाटा को इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, व्हेन डाटा इज अरेंज्ड लाइक दिस, देखो एरो लगाया हुआ है मैंने, तो दिस इज नोन एज एरे, इसे एरे कहा जाता है, यानी कि व्यू कहा जाता है जब हम आरोही या अवरोही क्रम में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो उसे व्यू कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का जो मैंने आपको थ्रेटिकल पार्ट बताया इंडिविजुअल सीरीज के बारे में, ये आपको समझ में आया। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर देखते हैं जिसमें हमने इसी तरह से कुछ अरेंजमेंट्स करनी होगी, या तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंगली या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंजमेंट करनी होगी। देखिए, जैसे ये लर्निंग बाय डूइंग मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, यहां से हम भी करके देखेंगे और फिर सीखेंगे कि किस तरह से हमें ये इंडिविजुअल सीरीज की प्रेजेंटेशन बताई गई। मेरे पास हिंदी मीडियम बुक है, लेकिन मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी अच्छे तरीके से कि ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। देखो, हमें फॉलोइंग डेटा बता रखा है 11th क्लास के 10 स्टूडेंट्स का, जिनकी पॉकेट मनी के बारे में हमें बता रखा है। 50, 20, 30, 15, 45, 35, 40, 25, 20 and 43। यू कैन काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। देखो, 10 स्टूडेंट्स के बारे में हमें कहा था और 10 स्टूडेंट्स का ही हमें यहां पर जेब खर्च दिया हुआ है, इन रुपीस दिया हुआ है। उपरोक्त श्रृंखला को, मतलब इस सीरीज को, हमने आरोही बढ़ते हुए यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या घटते हुए यानी कि अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं करना है और कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। मैं ये क्वेश्चन आपको कर दिखाऊंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो ये क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है जिसमें 20 व्यक्तियों के काल्पनिक प्रतिदर्श के पास निम्नलिखित रकम उपलब्ध थी, उपरोक्त श्रृंखला को बढ़ते हुए क्रम या आरोही क्रम में लिखें। सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में ही आपको इस क्वेश्चन को अरेंज करना होगा। आप जरूर इस क्वेश्चन को ट्राई कर देखना। तो देखते हैं कि अब इस क्वेश्चन में किस तरह से अटेम्प्ट किया जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, लिख लीजिए अपने पास इस सीरीज को। और देखो, सबसे पहले अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता होता है, सबसे छोटा या सबसे बड़ा? इट्स ऑब्वियस कि सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उसके बाद बढ़ता जाएगा, तभी तो बढ़ते हुए क्रम बनेंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 15 है, तो नंबर 1 पर क्या आएगा? 15। फिर 15 के बाद देखिए नंबर 2 पर क्या आएगा? 20, 22 है ना। आपके लिए भी इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि सेम हो फिगर्स, तो 20 अगर आपने नंबर 2 दिया है तो नेक्स्ट 20 को नंबर 3 दे दीजिए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वो हमारे लिए हमारी असेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट हो जाएगा, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली सीरीज बन जाएंगी। तो देखते हैं कि ये कैसे होगा। देखो, कुछ इस तरह से मैंने असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी दोनों लिख लिए हैं। जेब खर्च यानी कि पॉकेट मनी है, तो 15, 20, 20, 25, 30, 35, 40, 43, 45 and 50, ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर है, और इसी को अगर मैं उल्टा कर लिख दूंगी तो वो मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। तो देखो, एक ही लाइन बनी है ना,
कोई और कॉलम नहीं बना है ना, सिर्फ एक ही कॉलम बना है। अगर असेंडिंग ऑर्डर वाला है तो ये बना है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली करना है तो ये बना है। तो जब हम हमारे रॉ डेटा को इस तरह से सिर्फ एक एक अलग अलग इकाई को, एक एक अलग अलग आइटम को अलग अलग लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में अपने डेटा को रिप्रेजेंट किया है। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट। अब हमारे पास शुरू होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, यानी कि आवृत्ति वितरण श्रृंखला। आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, तो बिल्कुल यही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको क्या कहा है कि दो हैं आगे फर्दर कैटेगरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज होती हैं और एक कॉन्टिन्यूस सीरीज होती हैं। देखो जो डिस्क्रीट सीरीज होती हैं उनका भी दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा नाम आप हिंदी में खुद पता लगा सकते हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति होता है और एरे का मतलब मैंने अभी आपको बताया है व्यू होता है, तो क्या बन गया आवृत्ति व्यू। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर बन जाएगा। ग्रुप का मतलब समूह होता है, तो ये सामूहिक आवृत्ति वितरण बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज को आगे फर्दर एक्सप्लेन करना चाहूं, हम आज सिर्फ डिस्क्रीट को डिस्कस करेंगे एक बार, और उससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, कुछ महत्वपूर्ण धारणाएं हैं वो डिस्कस करूंगी, क्योंकि वो दोनों के केस में काम आएंगी। तो सबसे पहले तो ना आपको फ्रीक्वेंसी का मतलब पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। इट इज द मैक्सिमम भी बोल सकते हैं यहां पर, या सिंपल नंबर ऑफ टाइम्स भी बोल सकते हैं। इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ इन द सीरीज। एक आइटम अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रही है। जैसे मैं अगर ऊपर वाला क्वेश्चन ही लूं, तो यहां पर देखो 22 बार अपने आप को रिपीट कर रहा था, तो ये 20 की फ्रीक्वेंसी अगर हम लिखना चाहें तो कितनी बन जाएगी 2। लेकिन यहां तो ये इंडिविजुअल सीरीज है, तो इसमें तो हम अलग अलग ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, किसी श्रृंखला में या सांख्यिकी समूह में एक मद जितनी बार आती है वह उस मद की आवृत्ति कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है कि फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, हाउ फ्रीक्वेंटली अ पर्टिकुलर आइटम रिपीट्स इटसेल्फ, उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट, विच इज टेलीबार। आपने ये टेलीबार वर्ड भी सुना हुआ है, या देखो इसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ कंसेप्ट आपने जरूर देखा होगा। तो ये होती क्या है, ये रेखाएं होती हैं, ये मिलान रेखाएं हैं। दीज आर दी मार्क्स विच आर यूज फॉर काउंटिंग अ नंबर, या विच आर यूज फॉर काउंटिंग नंबर्स। तो क्या है ये कंसेप्ट, अगर एक बार कोई आइटम रिपीट हो रही है तो उसके एक बार आने पर 1 मार्क कर दो, वो 1 को डिनोट करेगा। अगर 2 बार आ रही है तो 2 लाइनें लगा दो, वो 2 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 3 बार आ रहा है तो 3 बार लाइनें लगा दो, वो 3 को रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई आइटम 4 बार आ रही है तो वो 4 बार लाइनें लगा दो, वो 4 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 5 बार आ रही है तो किस तरह से होगा, 1 2 3 4 चार लाइनें लगाने के बाद 4 के ऊपर इस तरह से, देखो जिस तरह से मैंने लगाया है बिल्कुल इसी तरीके से लाइन लगाई जाएगी, इस तरह से नहीं, इस तरह से लाइन लगाई जाएगी। मतलब अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड की बात करूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वाली जो लाइन है उससे शुरू कर फोर्थ वाले के बॉटम तक लाइन लगाई जाएगी, तो ये फिफ्थ नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। तो कुछ इस तरह के कंसेप्ट को मिलान रेखाएं कहा जाता है। अब हम समझेंगे इसे भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जरिए, लेकिन उससे भी पहले हमें डिस्क्रीट सीरीज का मतलब पता होना चाहिए, यानी कि खंडित श्रृंखलाएं क्या होती हैं। तो देखो, इट इज दैट सीरीज इन विच डेटा इज प्रेजेंटेड इन अ वे दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ आइटम्स आर क्लियरली शोन। देखो जहां पर जब हमारी आइटम्स को हम एग्जैक्ट मेजरमेंट की फॉर्म में ही माप सकते हैं। देखो अगर मैं आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको वेरिएबल नाम का एक कंसेप्ट करवाया है,
और उसमें हमने डिस्क्रीट वेरिएबल समझा था। मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दी थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल दी थी ना। स्टूडेंट्स को हम फ्रैक्शन में तो नहीं मान सकते ना, ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमारे हमारी क्लास में एक आधा स्टूडेंट आया है या डेढ़ स्टूडेंट आए हैं, ढाई स्टूडेंट आए हैं। हम ऐसे ही कहते होते हैं ना, पूरे पूरे नंबर्स की फॉर्म में काउंट किया जाता है ना, उन वेरिएबल्स को हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। तो यहां पर इसी से ही वो डिस्क्रीट सीरीज बन गया। डिस्क्रीट सीरीज इसीलिए वो वाली सीरीज होती हैं जिनमें बेसिकली हम उन आइटम्स या उन वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं जो डिस्क्रीट नेचर के होते हैं, मतलब जिन्हें हमने एग्जैक्ट मेजरमेंट करनी होती है, जिनमें हमें पूरा कंप्लीट कॉन्टिन्यूस जंप करना होता है, जिन्हें हम पॉइंट्स की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये वो वाली श्रृंखलाएं हैं जिनमें आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्येक मद का एक निश्चित माप स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। पॉइंट्स की फॉर्म में ये नहीं होती हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज के केस में, जिस तरह से इंडिविजुअल के केस में मैंने आपको कहा कि एक ही लाइन एक ही कॉलम बनता है, डिस्क्रीट के केस में एक कॉलम नहीं बनता है। इसमें x और f फॉर फ्रीक्वेंसी। मैं फिर से कहूंगी कि जिन बच्चों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज वाले कंसेप्ट समझे हैं उन्हें ये देखते ही पता चल गया होगा कि मैं कौन सी सीरीज की बात कर रही हूं। अब अगर मैं एक रिसर्चर हूं, मैंने डेटा इकट्ठा किया है, तो देखो मैं मिनटों में तो नहीं ये सीरीज बना सकती, मैं मिनटों में ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकती हूं। मुझे पहले अपने एक्स को काउंट भी करना पड़ेगा, लाइक अगर 10 है तो 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है तभी मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी पता चलेगी। 20 है तो 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है तभी मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी पता चलेगी। तो इस तरह से जब स्टार्टिंग में हमने डिस्क्रीट सीरीज फॉर्मुलेट करनी होती है, बनानी होती है, तो उन्हें बनाने में टेलीबार्स हमारी मदद करती हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले टेलीबार्स का मतलब समझा दिया कि क्या है। अब हम देखेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें हमने मिलान रेखाओं का इस्तेमाल कर डिस्क्रीट सीरीज बनाई है। तो देखते हैं पहले जल्दी से कि वो क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपको क्लास 11 के 25 स्टूडेंट्स की एज बता रखी है और आपको कहा हुआ है कि आवृत्ति का वितरण बनाइए, मतलब एक तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाना है। देखो आपको देखने में ही पता चल रहा है ना कि 15 भी बहुत बार रिपीट हो रहा है, 16 भी बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो जल्दी से क्वेश्चन को उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। देखो जब आप बहुत ही ध्यान से इसे देखोगे तो एक तो 15 है, एक 16 आइटम है, एक 17 है, एक 18 है, आई थिंक 19 नहीं है। लेकिन अब बहुत ही ध्यान से देखो यहां पर 10 है, इसका मतलब एक 10 है। तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ आइटम्स हैं? 10, 15, 16, 17 एंड 18। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमने डिस्क्रीट सीरीज बनानी है तो हमें एक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली इसे बनाना है। तो हम सबसे पहले 10 लिखेंगे, फिर उसके बाद 15, फिर 16 और फिर 17 एंड देन 18। अब जब हम 10 लिखेंगे तो देखो 10 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार। तो 10 के लिए जो टेलीबार का साइन लगाया जाएगा वो क्या लगाया जाएगा, सिर्फ एक लाइन, क्योंकि 10 एक बार आ रहा है तो 10 के लिए सिर्फ एक मिलान रेखा ही लगेगी। 10 के बाद देखो क्या है, 15। अब काउंट कीजिए फटाफट से जल्दी से कि 15 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो कितनी बार आया, 15, 7। तो हमने अब कौन सी मिलान रेखा लगानी है, हमने 7 टाइम्स मिलान रेखा बनानी है। लेकिन 7 बनाते कैसे हैं, देखो बहुत ही ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5 मैंने आपको ऐसे सिखाया है, 6, 7, समझ आ गया, ठीक है।
अब देखो बहुत ही ध्यान से 15 हो गया, अब बचा 16। बिल्कुल इसी तरीके से 16 को काउंट कर लो, फिर 16 के लिए मिलान रेखाएं लग जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से 17 एंड 18 को काउंट कर लीजिए। तो देखते हैं जल्दी से कि इसे रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाएगा। देखो कुछ इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन वीके पब्लिकेशंस की हिंदी मीडियम बुक जो हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंगली है, मैंने उसमें से ये क्वेश्चन लिया था जो कि पेज नंबर 87 पर क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखो बहुत ही ध्यान से, मैंने एज आपको बताई थी कि ईयर्स में हमें दी हुई है, और मैंने अलग अलग इकाई लिख ली, मतलब जो अलग अलग डिजिट्स हमारे पास एज के बनते थे वो मैंने लिख ली, ठीक है। अब देखो टैली बार का यूज किया, 10 सिर्फ एक बार आ रहा था तो मैंने यहां पर एक रेखा लगा दी, एक टैली बार बना दिया और फ्रीक्वेंसी में 1 लिख दिया। बिल्कुल इसी तरीके से 15 7 टाइम्स आ रहा था जैसे मैंने आपको समझाया, तो मैंने यहां 7 लिख दिया। 16 को जब काउंट किया तो 16 8 टाइम आ रहा था तो 5 बना लिया, जैसे वो लाइन ऊपर लगाकर लगाते हैं, और 3 लाइन्स और लगा दी तो वो मेरे लिए 8 डिनोट करने वाली फ्रीक्वेंसी बन गई। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने 17 को काउंट किया तो वो 5 का काउंट आ रहा था, और 18 को जब काउंट किया तो 4 का काउंट आ रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपके भी यही काउंट्स आए होंगे। और अब देखो हाउ कैन वी क्रॉस चेक फ्रीक्वेंसी का, जब आप टोटल लगाओगे तो आपका टोटल देखो उतना ही आ रहा है जो आपको क्वेश्चन की बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया गया था कि 25 आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या जो भी आपको एज पर्टिकुलरली बताया हुआ था। हाँ ऑब्वियसली कक्षा 11 के आपको दिए हुए थे तो 25 ही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है इसे डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आज का मेरा सेशन यहां तक ही रहेगा, मैं आज यहां पर ही वाइंड अप करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आज का जितना भी हमारा सेशन था वो आपको थॉरली बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोज को, लाइक कीजिए वीडियोज को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम एंड हैव अ नाइस डे।